कोई किस्त है जो अदा नहीं है, सांस बाकी है और हवा नहीं है। नसीहतें, सलाहें, हिदायतें तमाम हैं, प्रिस्क्रिप्शन है पर दवा नहीं है। आंख भी ढक लीजिए संग मुंह के, मंजर सचमुच अच्छा नहीं है। हर एक शामिल है इस गुनाह में, कसूर किसका है पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में एक बहुत सच्ची गहराई छिपी हुई है। COVID-19 का जो सेकेंड वेव अभी चल रहा है, इसने हमारे देश के साथ साथ कई अन्य देशों में भी एक तबाही मचा रखी है। कुछ लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया है। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जो लोग भी जिंदगी की जंग से लड़ रहे हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वालों के पास पहुंचे। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई है, इसे हमें मानना पड़ेगा कि COVID-19 है। अगर आप डर रहे हैं तो अच्छी बात है, डरना जरूरी है। आपको सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से डेली जो खबरें मिलती हैं वो दिल दहलाने वाली खबरें होती हैं। जिन लोगों ने अपने को खोया है, जब उनसे बात होती है, उनसे मिलना होता है, दिल दहल जाता है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो, ना किसी के परिवार के साथ में हो, ना हमारे साथ में हो। लेकिन इन सब के लिए हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। हमें हमारे हिंदुस्तान के लिए कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट में हमें ये जो कोरोना की चेन है इसको ब्रेक करना होगा। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अपने घरों पर रहिए। बहुत आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकलिए। और लोगों को भी यही समझाइए, हमेशा मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए। और जो भी हमारी सरकार ने इस COVID-19 के लिए जो गाइडलाइंस हमें दी है उसका हमेशा पालन कीजिए। देखिए दोस्तों, जान है तो जहान है। अगर हम हैं तो सब कुछ है, अगर हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं। जो लोग ये बोलते हैं कि COVID-19 नहीं है, उनके एक मजाक लगता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उनसे दूरी बना करके रखिए, क्योंकि वही सबसे बड़े इस कोरोना को फैलाने वाले एक सोर्स हैं। मैं आपके हाथ जोड़ के वापस एक बार विनती करता हूं, हमें समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, हम उसे भागीदारी निभानी है। घरों पर रहिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए। आवश्यकता है मास्क लगाइए, अपने हाथों को बार बार धोते रहिए, स्वयं को सुरक्षित रखिए और इस पूरे देश को सुरक्षित रखिए। हम वही चाहते हैं वापस से कि हमारा देश जैसा था वैसा हो जाए, सबके चेहरों पे एक हंसी हो, एक मुस्कान हो, जितने भी त्योहार हैं हम वापस से सेलिब्रेट कर सकें। रमजान दोबारा भी आएगा, हम सेलिब्रेट करेंगे उसको भी। ईद आएगी, रामनवमी आएगी, सब त्योहार आएंगे, हम सबको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अगर हम होंगे तो सेलिब्रेट कर पाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो हमारा होना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए हमें हमारे घरों पर रहना बहुत जरूरी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, समाज में भागीदारी निभाएं और देश की सेवा करें। इन COVID-19 की जो गाइडलाइंस हैं इनका पालन करें। नमस्कार।